अरे तुम जीत रहे हो, कैसे आना हुआ? वसुधा है मौसी? हाँ है। मुझे उससे बहुत बड़ी बात करनी है। तो अंदर आओ ना। आओ। ए वसुधा देखो कौन आया है। अरे आओ राज, कैसे हो? मौसी मैंने राज को बुलाया था, तो जरूरी बात करते हैं। नाश्ता करके आए? हाँ माँ, राज नाश्ता करेगा, तुम कुछ ले आओ। वो दूध ठंडा या गर्म? तुम्हें जैसे सही लगे तुम ले आओ। अच्छा अच्छा आओ राज। राज मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया। शिल्पा और मेरे बारे में? हाँ, शिल्पा कल यहाँ आई थी, मुझे पता चला क्या कुछ हुआ घर पर। ये सही नहीं है राज, ये बिल्कुल गलत है। तुम्हें गलत लगा तुमने महसूस किया, अच्छी बात है, लेकिन ये बात शिल्पा को महसूस होनी चाहिए, उसे इसका पश्चाताप होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन तुम्हें भी तो अपनी गलती का एहसास होना चाहिए, तुम्हें अपनी गलती मान लेनी चाहिए। शिल्पा ने एक मौका दिया था तुम्हें। मैं मानता हूँ उसने मुझे एक मौका दिया था, लेकिन जो फैसला मुझे सही लगा मैंने किया, और मैं ये भी मानता हूँ कि उसकी वजह से शिल्पा को दुख पहुँचा, तकलीफ हुई, और यकीन मानो मुझे। देखो राज, हो सके तो अपनी घर गृहस्थी अपने बच्चों पर आँच मत आने दो। कुछ बातें तुम नजरअंदाज कर लो, कुछ बातें शिल्पा से कहो कि वो नजरअंदाज कर ले, बाकी की बातें सब वक्त के साथ बह जाएंगी। लेकिन अपने बच्चों को सजा मत दो, उन पर आंच मत आने दो, बस बस इतना ही कहना था। आओ। मिस प्रिया सक्सेना, विल यू प्लीज गेट आउट फ्रॉम हियर? माइंड योर लैंग्वेज मैडम। मैं बहुत तमीज से कह रही हूँ, प्लीज लीव। मैं आज तक तमीज के साथ ही सुनती आई, लेकिन आज आपको एक बात बताना चाहूंगी, मैं मिस्टर राज की मुलाजिम हूँ, आपकी नहीं, समझी? उतनी ही तमीज के साथ कह रही। डू यू नो आई ओन 50% ऑफ दिस प्लेस? जहां तक मिल्कियत की बात है तो जरूर आपका 50% का हिस्सा होगा, लेकिन जहां तक इस दफ्तर की बात है, मुझ पर 1% भी नहीं, इसलिए मैं यहां से नहीं जाऊंगी। मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है यहां आज। तो वो आप कहीं और बैठकर भी कर सकती हैं। 50% की पार्टनर है आप, तो 50% जो भी जगह आपको पसंद हो वहां आप बैठ जाइए, 100% तो आपको नहीं मिलेगा। इस प्रिया सक्सेना, अभी तक आप मिसेज राज नहीं बनी है। तो क्या आप मिसेस राज हैं? इसका फैसला अगर राज करे तो ज्यादा बेहतर होगा। पिताजी। हाँ बेटे, जीते रहो। आज आप डिस्पेंसरी नहीं गए? नहीं, खुद के दर्द का इलाज नहीं कर पा रहा हूं, दूसरों को क्या दवा दूं? आप हमसे नाराज हैं? नहीं बेटे, अच्छा ही किया जो तुम चले गए, हालत तो मैंने की कि तुम्हें सही वक्त पे उड़ान भरने नहीं दी। नहीं पिताजी, ऐसी बात नहीं है, हर कोई अपनी अपनी जगह पे सही है। छोड़ इन बातों को, ये बताओ तुम खुश हो? कहना मुश्किल है पिताजी, पहले जब मैं ऑफिस से घर लौटता था तो एक टेंशन महसूस करता था, पता नहीं घर जाकर क्या देखना पड़ेगा, क्या सुनना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं लगता, लेकिन खुशहाल जिंदगी का जो सपना हमने देखा था
उसमें हम एक दूसरे से अलग नहीं रहते थे, सब एक साथ। कौन है? अरे शेखर बेटा तू? माँ। जीता रहे वो नहीं आई? माँ कुछ समय गुजर जाने दो, मैं खुद उसे ले आऊंगा। क्या करते आकर? अब जब अलग हुए गए हैं तो फिर ये मिलने जुलने के नाटक की क्या जरूरत? देखा बेटा, ऐसे ही कुछ ना कुछ मुझे सारा दिन कहते रहते। लेकिन माँ हमारे मन में कुछ नहीं है। तो फिर वापस क्यों नहीं आ जाता है? ये मुमकिन नहीं है माँ, हमारी किस्मत में एक साथ रहना नहीं लिखा है। नहीं, किस्मत को दोष मत दो, इंसान अपनी किस्मत खुद लिखता है। हाँ पिताजी, अब हम अपनी किस्मत खुद लिखेंगे। और माँ, इस बात का क्रेडिट भी तुम्हें ही जाता है। मुझे? हाँ माँ, एक बार कोर्ट में आकर देखना संगीता कितनी अच्छी वकील है, कितने गुण है उसके अंदर, कितने कॉन्फिडेंस के साथ वो अपनी बात कोर्ट के सामने रख पाती है। माँ ये मनमुटाव, ये अनबन अगर नहीं होती ना तो शायद संगीता अपने किचन में पड़ी पड़ी सड़ जाती, उसके टैलेंट किसी काम नहीं आते, उन्हें जंग लग जाती थी। हालात ने उसे बचा लिया माँ। माँ मुझे पता नहीं संगीता अच्छी बहू बन पाई या नहीं, लेकिन वो अच्छी वकील जरूर बनेगी, देखना। मॉर्निंग, मॉर्निंग। शिल्पा, आज से तुम इस ऑफिस की 50% पार्टनर नहीं हो। मेरे पास प्रूफ है राज। वो प्रूफ गलत है, मैं वो प्रूफ को नहीं मानता। तुम्हारे मानने या ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता है राज, कानून मानता है। मेरे पास प्रूफ है कि मैं इस ऑफिस की 50% पार्टनर हूं। शिल्पा, तुम आज से इस ऑफिस की 50% पार्टनर नहीं हो, बल्कि 100% ओनर हो। आज से ऑफिस सारे का सारा तुम्हारा है। यहाँ की हर एक ईंट, हर एक पत्थर, सारा फर्नीचर, ऐश ट्रे, पेंसिल, रबर, सब तुम्हारी मिलकियत है। क्योंकि आज के बाद मैं इस दफ्तर में नहीं आऊंगा। दिस ऑफिस बिलोंग्स टू यू फुली, सो हैव द बेस्ट। अब मैं ऊपर वाले से दुआ करूंगा कि तुम्हें बहुत तरक्की मिले, क्योंकि तुम्हारी तरक्की में मुझे खुशी मिलेगी। बट फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स You will never ever see me in this office again. Goodbye, Shilpa. And good luck. Come here. वसुधा, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। हाँ, मुझे आज थोड़ी देर हो गई। मैंने राज को आश्रम पर बुलाया था। सुमेर, मैं चाहती हूँ कि जो सब कुछ हुआ है दोनों के बीच में, शिल्पा और राज के बीच में, अब ये सब सुधर जाए। राज को भी थोड़ा पश्चाताप हो रहा है और हल्की सी रोशनी की किरण नजर आ रही है मुझे। सुमेर, क्या हुआ है सबके बीच में ना, सबसे बुरा असर बच्चों को पड़ा है, सजा उन्हें मिल रही है। एक्चुअली मैंने भी इसी वजह से इस केस को हाथ नहीं लगाया। क्या है वसुधा, मैं राज को भी जानता हूँ और मैं शिल्पा को भी जानता हूँ। अब ऐसी चीजें शुरू तो होती हैं लेकिन अपने अंजाम तक नहीं पहुंचती। मैं चाहे राज के लिए लड़ूं या शिल्पा के लिए लड़ूं, और फिर वो अगर दोनों मिल जाएं तो किसी एक के मन में मेरे लिए कबाड़ तो रहेगी ना। इसलिए मुझे भी लगा कि मेरा फर्ज है दोनों को मिलवाना। एनी वे, अगर वो दोनों मिल जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, एवरीथिंग विल बी फाइन अगेन। लेट्स होप सो। और सुनाओ, क्या हाल चाल है? नेहा कैसी? नेहा ने सारे टेस्ट तो करवा लिए हैं,
इनफैक्ट वो तुम्हारा इंतजार कर रही थी। शी वॉज नॉट फीलिंग कम्फर्टेबल, उसे लग रहा था कि कहीं वॉमिटिंग ना हो जाए, तो मैंने उसे घर भेज दिया। कोई बात नहीं, इन सब टेस्ट के रिजल्ट्स मैं तुम्हें शाम तक दे दूंगी। और कोई बात थी सुमित? वसुधा, दरअसल मैं तुम्हारा इंतजार इसलिए कर रहा था, वो जो लड़की जिसे हमने वो बच्चा गोद लिया था, अगर उसका पता मिल जाता तो। हाँ जरूर, कोई खास बात थी? वसुधा, हमने उस लड़की से ये कहा था कि वो यहाँ से बहुत दूर चली जाए। अब अगर नेहा के सारे टेस्ट पॉजिटिव आते हैं और अगर वो सही में प्रेग्नेंट है, तो मैं नहीं चाहता कि हम उस बच्चे को रखें। मैं चाहता हूँ कि हम उस बच्चे को, उस लड़की को वापस कर दें। तो अगर उस लड़की का पता तुम हमें दे दो तो। हाँ, पता तो मिल जाएगा। तुम्हारा निजी मामला है, लेकिन ये सब बातें तुम्हें अडॉप्शन से पहले सोच लेनी चाहिए। आई नो दैट डिसीजन इज योर्स, और बिल्कुल गलत बात है ये तो। देखो सुमित, एनीवे, अगर तुम्हें यह नेहा को लगता है कि तुम थोड़े से भी कम माँ बाप होगी इस बच्चे के लिए अगर तुम्हारे खुद का बच्चा आ गया, तो यही डिसीजन सही है। इट्स नॉट राइट। मुझे इसी बात का डर है। अच्छा माँ, मैं चलता हूँ। इसी तरह कभी कभी आते रहना बेटे। बेटा, एक बात कहूँ? कहो माँ। हालांकि मैंने संगीता को कुछ नहीं दिया, न प्यार न ममता, लेकिन संगीता मुझे तब ही समझ सकेगी जिस दिन वो खुद माँ बनेगी। उसके लिए माँ बनना भी जरूरी नहीं है माँ। दुर्गा माँ उसे तो किसी की माँ नहीं है, पर वसुधा, उसने भी तो किसी बच्चे को जन्म नहीं दिया, फिर भी ममता से भरी है उनकी झोलियाँ, प्यार बांटती फिरती है वो, दोनों सहारा बनती है। और तुम्हें रोका किसने था? तुम संगीता की भी मां बन सकती थी, मगर तुमने तो उसे भी खो दिया जिसे अपनी भोग से पैदा किया, और ऊपर से तुम बस हमने बस हमने। रो मत मां, रो मत, दोष तुम्हारा नहीं है, ये समाज का है जिसने औरतों का कार्यक्षेत्र ही लिमिटेड कर डाला है, उन्हें किचन में ही बांध कर रखा है, पंख काट दिए उनके, और रसोई घर ही औरत का सब कुछ बन गया है। फिर इस रसोई घर में किसी दूसरी औरत का आना उन्हें खलने लगा, जैसे उनके कार्यक्षेत्र को किसने चुनौती दी है। यहीं से शुरू हुई एक लड़ाई, और औरत ही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन बन गई। लेकिन अब जमाना बदल रहा है, औरतों के लिए आसमान खुला है, वो उड़ सकती है, ऊंचाइयां छू सकती है। मैंने सिर्फ संगीता के लिए खिड़कियां खोल रखी है। कभी आकर देखना माँ, कितनी सुंदर है उसकी उड़ान। माँ रो मत, दोष तुम्हारा नहीं है, समाज का है। माँ, हमें गुस्सा तुम पर नहीं है, संगीता भी तुम पर नाराज नहीं है, इस समाज पर हमें गुस्सा है, इस सिस्टम पर हमें गुस्सा है। तुमसे तो हमें हमदर्दी है माँ, तुम भी तो इस सिस्टम का ही एक शिकार हो, बली हो। काश तुम भी वक्त पर आसमान देख पाते, काश तुम भी उड़ान भर पाते। चलता हूँ। अभी देर नहीं हुई है शेखर की माँ। देखो देखो उस आसमान को, देखो कुछ दिखाई दे रहा है शेखर की माँ? संगीता की माँ की, संगीता की माँ। तुम चिंता मत करना सुमेर, मैं उस लड़की का पता जरूर लगा लूंगी, यहीं कहीं आसपास होगी, दूर कहां गई होगी, और हमें फोन तो जरूर ही करेगी वो।
फिक्र मत करो, उसका पता मिल जाएगा। ठीक है वसुधा, मैं चलता हूँ। मैं एक बार फिर नेहा से इस बारे में बात करूंगा। थैंक्स अ लॉट, बाय। नेहा का ख्याल रखना। जरूर, बाय बाय सुनो। राहिल, कोमल, राहिल, राहिल, कोमल, राहिल, राज,